नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ विजया एकादशी के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। विजया एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, विजया एकादशी का महत्व क्या है, किन लोगों को विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है व्रत, क्योंकि दो दिनों में तिथि दो दिनों में बीत रही है इसलिए व्रत भी दो दिनों में किया जाएगा, तो आपको व्रत किस दिन रखना है, इसमें किसी एकादशी व्रत में पारण किस समय का बहुत महत्व होता है, तो पारण का शुभ मुहूर्त शुभ समय क्या है, विजया एकादशी के दिन हमें कौन से कर्म जरूर करने चाहिए, जैसी सभी जानकारियां ऐसे एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्णता से सभी जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछले काफी समय से वीडियोज में लगातार नहीं डाल पा रही थी, अब मैं लगातार आपके साथ वीडियो हर व्रत त्योहारों की शेयर कर रही हूँ, वीडियोज जरूर देखें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ में, यहाँ पर मैं आपको सभी व्रत त्योहारों की जानकारियां संपूर्णता से प्रदान करती हूँ। वीडियो पसंद अगर आया हो तो जरूर आगे शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हर साल विजया एकादशी का जो व्रत होता है, देखिए वैसे तो एकादशी व्रत साल के 24 होते हैं और अधिक मास लग जाए तो 26 होते हैं, और हर एकादशी व्रत का जो भी मास विशेष में पड़ता है उसका अपना एक महत्व होता है। तो जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे हम विजया एकादशी कहते हैं। तो विजया एकादशी का सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डेट को लेके कंफ्यूजन है कि किस दिन व्रत कौन लोग करेंगे, वही मैं क्लियर करती हूँ। ये विजया एकादशी की जो तिथि है वो दो दिनों में बीत रही है। 16 फरवरी से तिथि प्रारंभ होगी और 17 फरवरी को समाप्त होगी। 16 फरवरी को सुबह 5:32 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 फरवरी को 2:49 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में व्रत किस दिन हमें रखना है, तो दोस्तों देखिए, पहला दिन जो एकादशी के व्रतों में अगर ऐसी स्थिति होती है तो गृहस्थ जनों के लिए व्रत धारण करना होता है, और दूसरा दिन जो होता है वो वैष्णव जन व्रत धारण करते हैं। तो आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन धारण करना है। जो लोग वैष्णव जन हैं उनके लिए 17 फरवरी को व्रत धारण करना शुभकारी है, वो 17 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन धारण करेंगे। तो यही सबसे जो बड़ी कंफ्यूजन थी तिथि को लेकर के और व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर अब साफ कर दी है। अब विजया एकादशी व्रत का महत्व क्या है, दोस्तों देखिए, विजया एकादशी का व्रत जैसे कि नाम से ही जाहिर है, विजया एकादशी, इस एकादशी व्रत को धारण करने वाले लोगों को उनके काम में जो भी मनवांछित उनकी इच्छा है उसमें विजय की प्राप्ति होती है, उन्हें सफलता हासिल होती है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि विजया एकादशी का व्रत स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले विधि पूर्वक किया था, और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया, और उसके बाद उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, उसके बाद भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो विजय प्राप्त करना हो आपको किसी भी दुश्मन पर, किसी भी कार्य में, तो आपको विजया एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। विजया एकादशी इस बार जो 16 फरवरी को गृहस्थ आश्रम के लिए है बहुत ही शुभ भी है, क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है, और ऐसे में इस संयोग को बेहद शुभ हम मानेंगे। तो भगवान की पूजा आराधना इस दिन हमें किस प्रकार करनी है, देखिए एकादशी के व्रतों में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन हमें व्रत के संकल्प के साथ ही इस व्रत को शुरू करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हों और एकादशी व्रत का संकल्प ले लें। देखिए कई लोग क्या है कि सालाना पूरे साल के व्रत नहीं कर पाते हैं तो चुनिंदा व्रत करते हैं, तो ऐसे में आपको सफलता किसे नहीं चाहिए होती है, विजय प्राप्ति किसे नहीं अच्छी लगती है अपने हर काम में, तो विजया एकादशी का व्रत उन चुनिंदा व्रतों में भी आपको जरूर धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के नियमों का पालना बहुत जरूरी है। तो एकादशी व्रत की जो नियम होते हैं वो दशमी की तिथि से ही शुरू हो जाते हैं और द्वादशी की तिथि तक, जब तक आप व्रत का पारण नहीं कर लेते तब तक नियमों का पालन आपको करना चाहिए। तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और आप भी कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण कर सकता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है आपको, तो सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा जो भी आप घर में अपनी पूजा स्थल पर रखते हैं उनके विधि विधान से पूजा करनी है। इसके लिए आपको
पंचामृत से भगवान का अभिषेक करा। अगर घर में आपके शंख है तो शंख में दूध या पंचामृत भर के भगवान श्री विष्णु का आप अभिषेक करें। अगर भगवान श्री विष्णु की फोटो मूर्ति नहीं आप रखते हैं तो लड्डू गोपाल जी की रखते हैं। इस दिन भगवान के किसी भी स्वरूप की आप पूजा आराधना कर सकते हैं और उसके बाद में विधि विधान से भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें और पंचोपचार ही पूजन, अगर आप दशोपचार षोडश उपचार पूजन नहीं कर सकते हैं तो पंचोपचार ही पूजन आपको धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प से पूजन करना चाहिए। तो पीले रंग का ध्यान आपको रखना है, पीला वस्त्र आप भगवान को देंगे, पीली मिठाई आप अर्पित करेंगे, पीले फूल आप अर्पित करें भगवान विष्णु को, तो ऐसे में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो श्री हरि विष्णु की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। एकादशी के व्रतों में दोस्तों रात्रि जागरण का बहुत महत्व है और किसी भी एकादशी व्रत में हम जैसा कि जानते हैं कि मैया तुलसी की पूजा आराधना हमें विशेष करनी चाहिए, लक्ष्मी माता की पूजा हमें विशेष करनी चाहिए, तो इस दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। इस दिन आपको तुलसी में दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। देखिए कई लोग इस बात को मानते हैं कि एकादशी के व्रतों में माता तुलसी में जल नहीं अर्पित करते और कई लोग ऐसा नहीं मानते और जल अर्पित करते हैं। एकादशी के व्रत में आपको तुलसी माता को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी पत्र आप पहले से ही तोड़ करके रखें क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र बेहद जरूरी है। भोग ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वीकार नहीं करते तुलसी पत्र के बिना, तो आप तुलसी पत्र जरूर रखें लेकिन इस दिन तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी में तुलसी पूजन आपको जरूर हालांकि करना चाहिए। संध्या काल में तुलसी माता में दीपक जरूर प्रज्वलित करें, माँ तुलसी के फेरे इस दिन लें, बहुत शुभकारी है। माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है, माता लक्ष्मी के लिए आप इस दिन सफेद भोग माता को अर्पित करें, गुलाब के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, लाल फूल माता को आपको इस दिन अर्पित करना चाहिए, माता इससे प्रसन्न होती है। इस दिन दोस्तों आपको दान पुण्य के कर्म भी जरूर करने चाहिए। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार विजया एकादशी के दिन आपको दान भी जरूर करना है। बारी आती है पारण की, पारण आपको कब करना चाहिए। देखिए एकादशी के व्रतों में अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करने का विधान है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना बहुत जरूरी है। तो अब जो लोग 16 तारीख को व्रत धारण करेंगे उनके लिए पारण का समय क्या है, उनके लिए 17 फरवरी को पारण का समय है सुबह के 8:01 से 9:13 तक। इस समय के बीच ही आपको पारण व्रत मतलब खोल लेना चाहिए। अब वैष्णव जनों के लिए जो लोग 17 फरवरी को व्रत धारण करेंगे उनके लिए पारण का शुभ समय क्या है, मतलब व्रत खोलने का समय, 18 फरवरी को सुबह 6:57 से 9:12 तक। तो पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त तो हो जाएगी तो आपको पारण कर लेना है। तो इस प्रकार से विजया एकादशी का व्रत आपको धारण करना है और उसके बाद में इसी विधि विधान से आपको व्रत का पारण करना है। जैसा कि मैंने कहा कि पारण करने के पहले आपको दान, इस दिन सीधा दान का बहुत महत्व होता है एकादशी में। जैसे कि आपने एकादशी के व्रत में अन्न का त्याग किया है, अन्न ग्रहण नहीं किया है, तो जो अन्न आपने बचाया है उसको अगले दिन दान में जरूर दे दें, ब्राह्मण को दें, किसी जरूरतमंद को दें, बहुत पुण्य फलकारी होता है, तो आप ऐसा भी जरूर करें। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो शुभ मुहूर्त मैंने बताए हैं, तिथि को लेकर जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर करने की कोशिश की है और पारण का शुभ मुहूर्त जो बहुत जरूरी है, पूरी पूजा विधि विजया एकादशी की आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो इस बार अगर आप भी विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों के पालन के साथ में सफलता से आप विजया एकादशी का व्रत धारण करें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। उम्मीद करती हूँ जो ये तमाम जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आगे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।